बजट की हलचल शुरू हो गई थी। गुनगुनी धूप में बेताल पेड़ पर कलाबाजी कर रहा था। विक्रम आज कुछ तेज कदमों से चलता हुआ आ रहा था। उसने कुछ पढ़ लिख लिया था और बेताल को आज वह ज्ञान देना चाहता था। बेताल कूदा और विक्रम के कंधे पर सवार हो गया। हे सम्राट, अब तक तो हो गए होगे ना तुम बजट ज्ञानी? हाँ दद्दा, लेकिन ये बताओ सरकार की कमाई आखिर होती कहाँ से है? अपनी कमाई का पता नहीं और चले सरकार की कमाई का पता लगाने। अरे आप ही तो कहते हैं कि सरकार हर तरह से पैसा जुटाती है, तो बताओ फिर इतने नखरे क्यों दिखा रहे हो? अरे सरकार हर मुमकिन जरिए से पैसा जुटाने की कोशिश करती है। हाँ तो वही ना, कहाँ कहाँ से, कुछ बताओ तो सही। वे कमाई पर लगाती है इनकम टैक्स, खपत पर लगाती है एक्साइज ड्यूटी GST, विदेश से आयात पर लगाती है कस्टम ड्यूटी, ब्याज और शेयर की कमाई पर भी कई तरीके के टैक्स लगते हैं। क्या है जिस पर टैक्स नहीं लगाती सरकार? और ये हमारी बचत क्या होती है? सुनते हैं सरकार वो सुड़क जाती है। अरे राजा, आज तो बड़ा पढ़ाए तुम। और क्या, तुम्हारे शागिर्द हैं ऐसे ही थोड़े। वो जो PPF, NSC, KVP जैसी छोटी बचत योजनाओं में पैसा लगाते हो ना, उसे भी सरकार ही इस्तेमाल करती है। और बैंक की बचतों का भी? इसके बाद खर्च के मुकाबले कमाई में जो कमी रह जाती है उसे सरकार लोन लेकर पूरा करती है। तुम्हारी बैंक बचत के तौर पर सरकार को मिलती है राजन। बैंक इसी बचत से सरकार को कर्ज देते हैं, सरकार के ट्रेजरी बिल में निवेश करते हैं। अच्छा, कहते हैं रिजर्व बैंक यही करता है पूरे साल, सरकार के लिए कर्ज जुटाने का जुगाड़। बिल्कुल सही राजा बाबू, ठीक जा रहे हो। लेकिन हे प्रेत, ये तो बताओ कि सरकार इतनी कमाई करती है और फिर भी लोन लेती है, तो इस पैसे का करती क्या है? सरकार इस पैसे से सड़कें, पुल, अस्पताल बनाती है, तमाम सब्सिडी बांटती है, सेना को पैसा देती है। अच्छा, लेकिन एक बात समझ नहीं आई। सरकार हमसे टैक्स लेती है, कंपनियों से भी टैक्स लिया जाता है, और फिर इस पैसे से सड़क बनाती है, तो फिर उन्हीं सड़कों पर चलने के लिए हमें टोल क्यों देना पड़ता है? बस तेरी यही बात मुझे पसंद नहीं है। फिर तूने पूछा टेढ़ा सवाल, अब मैं चला।